क्वेश्चन नंबर 27, लाइसोसोम इज फॉर्मड एट विच एंड ऑफ गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम जो बन रही है गोल्जी बॉडी से बन के बाहर आ रही है वो कौन से फेज से आएगी। तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो गोल्जी बॉडी होती है या जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके दो फेजेस थे, एक था सिस फेज और एक था ट्रांस फेज। तो जो सिस फेज था, सिस फेज से मॉलिक्यूल्स फ्यूज होते हैं एंड मॉडिफाई होके कहाँ से बाहर निकलते हैं, ट्रांस फेज से। तभी ट्रांस फेज को हम और नाम क्या दे रहे थे, मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। तो इस मैच्योरिंग फेज से ही लाइसोसोम बनके बाहर निकलेंगे, लाइसोसोम्स फॉर्म्ड फ्रॉम दिस फेज। तो यहाँ पर हम देखें, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड एट विच एंड ऑफ द गोल्जी बॉडी, सिस फेज नहीं जाएगा, ट्रांस फेज बिल्कुल सही है। सिस फेज का ही दूसरा नाम अगर याद हो तो कॉन्वेक्स फेज था, तो ये भी नहीं जाएगा। और यहाँ पर सिस फेज का ही दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज भी बोला जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, फॉर्मिंग फेज भी नहीं। ये तीनों है सिस फेज, सिर्फ ट्रांस फेज है जिसको मैच्योरिंग फेज बोला जाता है या कॉनकेव फेज बोला जाता है, जहाँ से लाइसोसोम बन के बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।